अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान जाबिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आप किस तरह अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर आपकी जो पोस्ट हैं आप उनको कैसे अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। पेज का मतलब ये कि अगर आपका गेम्स का पेज है, सॉफ्टवेयर का है, विंडोज का है, यूट्यूब वीडियोस का है, तो सॉफ्टवेयर का है आपने जो भी पोस्ट की है तो वो आपकी सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में आए, और जिस तरह गेम्स हैं तो वो आपके गेम्स के सेक्शन में आए। तो आप इस तरह पेज पे पोस्ट को कैसे कर सकते हैं, आपकी जो भी पोस्ट होंगी आपने उनको करना है पेज पे तो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की होंगी तो उसको जो मैं है पेज क्रिएट करूंगा, और पेज क्रिएट करने के बाद पेज में मैं आपको जो है वो पोस्ट को ऐड करके आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है अपनी पोस्ट को पेज पे ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं लेकिन बहुत सारे बंदों के कमेंट आते हैं और जो मैसेज है वो भी आते हैं, तो बहुत सारे बंदों की जो है वो नहीं ऐड होते, तो मैंने बोला कि एक न्यू वीडियो बनाऊं और न्यू वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लो। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ब्लॉगर का जो अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने सिंपल ब्लॉगर के अकाउंट को ओपन कर लेना है। ब्लॉगर के अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोस्ट की हैं, तो यहाँ पे पोस्ट बहुत सारी हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे गेम्स है, सॉफ्टवेयर है, गेम्स है, ये आपके सामने यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये मैंने जो है ये कैटेगरी में यहाँ पे मैंने ऐड की हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे व्यू ब्लॉग में क्लिक करके, तो यहाँ से मैंने व्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये जो मेरी ब्लॉगर स्पोर्ट की वेबसाइट है तो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट तैयार है, अगर किसी बंदे को कोई यहाँ पे ब्लॉगर स्पोर्ट की वेबसाइट चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं होम है, सॉफ्टवेयर है, गेम है, विंडोज़ है। तो यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैंने यूँ इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हुए। यहाँ पे कैटेगरी में मैंने सॉफ्टवेयर किए हैं, गेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गेम्स जो हैं यहाँ पे ओपन होंगी। तो आप कैसे यहाँ पे जिस तरह ये पेज के अंदर यहाँ पे ये ऐड करनी पड़ती है, ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ब्लॉगर पर चले जाना है। ब्लॉगर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पोस्ट कर लेनी है। पोस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पेज एक क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से मैं पेज को क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेज क्रिएट किए हुए हैं, गेम है, यूट्यूब पोस्ट है, विंडो है और सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर मैंने गेम्स का क्रिएट किया है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू पेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने जो कैटेगरी वहाँ पे रखी है सॉफ्टवेयर है, गेम है, पोस्ट है, तो आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट आपके सामने एक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो आपकी यहाँ पे मर्जी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पब्लिश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो पेज है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पहले चार थे तो अभी यहाँ पे पाँच हो गए हैं। पेज क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे चले जाना है पोस्ट पे। पोस्ट पे जाने के बाद जिस तरह ये गेम्स है तो आप जब पोस्ट को अपलोड करेंगे तो उसके अंदर ही ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। आपने यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट सेटिंग नीचे लेबल, लेबल वाले ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक सी जगह होगी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो पेज क्रिएट किया था पोस्ट का क्रिएट किया था तो आप पोस्ट लिखेंगे, आपने गेम का क्रिएट किया था गेम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर का क्रिएट किया था सॉफ्टवेयर लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह ये मेरी गेम्स है तो उसको मैं गेम्स के अंदर रखता हूँ, यहाँ पे गेम्स के यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो पेज बनाए होंगे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो पेज हैं यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ पे गेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो मैंने जो ही अपडेट किया तो यहाँ पे ये जो मेरी पोस्ट है वो पेज के अंदर यहाँ पे चली गई है, और मेन्यू बार में आप वहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरी जो पोस्ट है उसके अंदर शो होगी। तो यहाँ से मैं बैक पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे गेम्स, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे शोर है, नीचे जाएंगे सॉफ्टवेयर है, फिर गेम है, ये मैंने सारी कैटेगरी के अंदर ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने यहाँ पे वेबसाइट पे, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से मैं चला जाता हूँ गेम पे। गेम पे जाने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो गेम ऐड की थी यहाँ पे गेम ऐड हो गई है, यहाँ पे इस पेज में यहाँ पे गेम ऐड हो गई है। तो यहाँ पे ये सारी गेम की हैं, यहाँ पे आपके सामने मैंने ऐड की है, यहाँ पे गेम आपके सामने यहाँ पे शो
हो रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लेबल पे जाके आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है और यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करेंगे आपकी जो पोस्ट है वो आपके पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना होता है। पेज आप क्रिएट करेंगे तो पेज के अंदर ही आप जो है वो पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। पेज जो आप क्रिएट करेंगे वो आपके मेन्यू पे जो है वहाँ पे शो होगा, जिस तरह ये मेरे मेन्यू शो हो रहे हैं। अगर किसी बंदे को कोई इशू आता है, आप यहाँ पे इसका सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और भी वीडियो मैंने इसकी बनाई हुई है कि आप कैसे इसका ये जो मेन्यू है मेन्यू क्रिएट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप इसकी डोमेन कैसे परचेज करते हैं, सारी सेटिंग जो है मैंने बताई हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आप किस तरह अपनी पोस्ट को अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं, पेज पे ऐड करने के बाद आपके मेन्यू पे शो हो। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन्यू पे शो करके भी बता दी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।